आइए साथियों, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश, जोहार जोहार। आज हम बात करेंगे हमारे आदिवासी कस्टम एंड कल्चर के बारे में कि एक्चुअली में ये कस्टम और कल्चर क्या है, परंपरा और संस्कृति। मेरे मानने से ये है कि जो कल्चर शब्द है, जो संस्कृति शब्द है, आज हमारे आदिवासी के ऊपर लगाया गया है और हम गर्व से कहते हैं कि आदिवासी संस्कृति के मानने वाले हैं कह के। लेकिन संस्कृति का आप जब उसका भावार्थ निकालेंगे तो संस्कृति का मतलब होता है संस्कार, और संस्कार जिसमें डाला जाता है उसको संस्कृति कहा जाता है। तो भाई आज हम देखते हैं हमारे आदिवासी कस्टम में, आदिवासी परंपरा में, तो संस्कृति और संस्कार जो शब्द है हमारे ऊपर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे में कोई संस्कार नहीं होता। अब लोग हालांकि कह देते हैं कि जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार कह के, लेकिन आदिवासी में कोई संस्कार नहीं होता। जिस प्रकार से मुस्लिम बनाने के लिए खतना किया जाता है, ईसाई बनाने के लिए बपतिस्मा किया जाता है, हिंदू बनाने के लिए जनेऊ संस्कार होता है, उसी प्रकार से आदिवासी बनाने के लिए कोई संस्कार नहीं होता। आदिवासी हम नेंग और जोंग से, प्रथा और परंपरा से, रूढ़ी जो हमारा कस्टम एंड कस्टमरी ला से संचालित होते हैं और प्रकृति के ऊपर, प्रकृति के आधार पे जीवन यापन करते हैं और उसी के आधार पे हम संचालित होते हैं, चलते हैं। इसलिए हम पर कस्टम एंड कस्टमरी ला लागू होता है और हमारा जो जीवन शैली है वह प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन शैली है, और प्रकृति को हम मान करके, प्रकृति के आधार पे चल करके हम अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी से मेरा सादर अपील है कि संस्कृति, आदिवासी संस्कृति ना भूलिएगा, आदिवासी परंपरा, आदिवासी प्रथा, आदिवासी रूढ़ी, आदिवासी कस्टम भूलिएगा। क्योंकि आज आप जहाँ कहीं भी देख लीजिए, रूढ़ी व प्रथा को देखिए हमारा, या फिर हमारा कस्टम एंड कस्टमरी ला आने, कस्टमरी ला जो हमारे कम्युनिटी से शुरू होता है, कम्युनिटी का मतलब भी होता है कम्युनिटी एंड कास्ट, दोनों में अंतर है। सोशल, जो सोशल होता है यानी सामाजिक, समाज, सोशल यानी समाज, और सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, और सोशल शास्त्र जो समाज शास्त्र में आज हमको डाला जाता है, लेकिन हमारे ऊपर सोशल शब्द भी लागू नहीं होता, हमारे ऊपर कास्ट शब्द भी लागू नहीं होता, हमारे ऊपर कम्युनिटी लागू होता है। और कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, और समुदाय का एक अपना विशेष परंपरा होती है, विशेष कस्टम होती है, और उसकी एक विशेष संविधानिक सामुदायिक व्यवस्था होती है, और हम लोग अपने सामुदायिक व्यवस्था में जीवन यापन करने वाले लोग हैं और अपने कस्टम एंड कस्टमरी लॉ के आधार पर चलने वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों को अपील करता हूँ कि कस्टम शब्द और कम्युनिटी शब्द हमारे ऊपर लागू होगा, कल्चर एंड कास्ट शब्द हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। आप इसको बहुत गंभीरता से सोचिए, और सोचने के बाद आप देखिए कि वास्तविकता में हम कल्चर जो है, कल्चर शब्द जो है, और कास्ट शब्द जो है, संस्कृति और जाति हमारे ऊपर लागू नहीं होता। क्योंकि संस्कृति इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि हमारे में कोई संस्कार नहीं होता, हमारे में नेंग जोंग होता है, और कास्ट इसलिए लागू नहीं होता क्योंकि हम प्रकृति को मानने वाले हैं, जाति प्रथा को नहीं मानने वाले हैं। इसलिए हम जाति प्रथा के विरोधी हैं, और जाति प्रथा हमारे में नहीं है। जाति इस दुनिया में दो ही है, स्त्री और पुरुष, दो ही जाति है, और उस दो ही जाति को मानते हैं। इसलिए हम सल्ला गांगरा को मानते हैं, सल्ला गांगरा की मतलब सल्ला गांगरा व्यवस्था को, सल्ला यानी दाऊ, गांगरा यानी दाई, और दो ही को हम अपना मूल, हमारा आस्था का प्रतीक कोई है तो वह है सल्ला एवं गांगरा, दाऊ एंड दाई, तो हम दो ही को मानते हैं, तीसरा हमारा कोई नहीं है। उत्पत्ति का कारक सल्ला और गांगरा है, और सल्ला गांगरा ही हमारा सर्वोच्च शक्ति है, और चाहे वह आदि शक्ति है उससे बड़ा किसी को नहीं मानते। दाऊ और दाई से बड़ा, सल्ला गांगरा से बड़ा, हमारे गोंडी मैथोलॉजी में, हमारे आदिवासी मैथोलॉजी में नहीं है। आज हालांकि हमको शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, ST शेड्यूल ट्राइब कहा गया है, उसका अभ्रंश शब्द, अभ्रंश अर्थ निकाला जाता है कि अनुसूचित जनजाति,
जबकि शेड्यूल ट्राइब का मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं होता। या जो इंग्लिश का डिक्शनरी और हिंदी का डिक्शनरी और जो उसका बीच में जो अर्थ बताते हैं, उसका जो मायने बताते हैं, भावार्थ बताते हैं, उसमें डिफरेंस है, उसमें भ्रम शब्द को डाला जाता है, उसका अभ्रंश अर्थ निकाला जाता है। इसके वजह से हम लोग पिछड़े और हम लोग उसका सही मायने नहीं समझ पाते। इसलिए समस्त साथियों को एवं दर्शकों को मेरा अपील है कि आप शब्दों की भ्रमजाल को काटिए, शब्दों की भ्रमजाल को समझिए और उसके आधार पे आप इस रूढ़ी मैथोलॉजी, गोंडी मैथोलॉजी, आदिवासी मैथोलॉजी के ऊपर आप रिसर्च कीजिए, गहन चिंतन कीजिए, तब समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमारा कस्टम एंड कस्टमरी ला समुदाय एवं सामुदायिक व्यवस्था क्या है और हम इस सामुदायिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। इसलिए सभी साथियों को मेरा पुनः सादर सेवा जोहार और अपील कि आप ये छोटे छोटे शब्दकोश, छोटे छोटे शब्दों का अर्थ निकालिए। इतना कह करके मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ और पुनः एक नया विषय के साथ, एक नया सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। अगर हमारे इस कोयतूर जैन चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सादर जोहार जोहार।